विदेश नहीं जा रही है और मेरा बाबुल मजबूर है। और इसी बीच में हमारे भैया थान सिंह पाल और अन्नू पाल भैया जी, ये मुझे माँ अन्नपूर्णा मैया जी की मूर्ति भेंट कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं कि सदैव धन के भंडार भरे रहे। मैया अन्नपूर्णा इनके सदैव मनोकामना पूर्ण करती रहे। और हमें भी बड़ी प्रसन्नता है कि माँ आपके आपके स्थान पर आपकी भूमि पर जो मुझे यहाँ पर कथा कहने के लिए मिल रही, आप महर भी बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। और बोलिए गोविंद भगवान की। माँ अन्नपूर्णा की कृपा यो ही बनी रहे और जब अम्मा की कृपा रहेगी तो सभी काम संपन्न होंगे क्योंकि ये स्थान जो है बहुत ही धार्मिक है, बहुत धार्मिक स्थल पर है। माँ अन्नपूर्णा के दरबार में जो भी आता है वो कभी विमुख होकर के नहीं जाता है। बोलिए खेरापति मैया की। आज मेरे प्रिय भक्तजनों, श्री सुखदेव जी बोले हैं कि राजन परीक्षित आज रुक्मणी ने पत्र लिखा है और पत्र लिखने के बाद में और पत्र लिखा है पत्र लिखकर के पंडित जी को दे दिया। पंडित जी कहने लगे हैं कि पहुंचे तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो पहुंच गए। अब पहुंच जाएंगे तो भगवान के और बेटा शिवम पाल की तरफ से गणेश भगवान की मूर्ति प्रदान कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं कि गणेश भगवान सदैव धन के भंडार भरे और सद्बुद्धि समाज में सम्मान लंबी आयु और पढ़ लिख करके महान बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बोलिए गोविंद।